हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आई एम जयेश। आज हर कोई अपना पैसा ग्रो करना चाहता है और ये भी चाहता है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे और हमारी वेल्थ को इंक्रीज करने में हमारी मदद करे। बट अगर आप अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हो तो आप में थोड़ा रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होना चाहिए, और अगर आप में ये रिस्क टेकिंग गट्स है तो आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। बिकॉज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। बट लोगों को ये रिस्की लगता है, लोग डरते हैं। लोग क्यों डरते हैं? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता। स्टॉक मार्केट में आप अपने मनपसंद कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी डेली एसेंशियल नीड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेली एसेंशियल नीड्स मतलब क्या, कि जो प्रोडक्ट्स आप डेली यूज करते हो उन कंपनीज के स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ना केवल उनके कस्टमर्स बल्कि उनके पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स भी बन सकते हैं। बट उससे पहले आपको प्रॉपर बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको सीखना बहुत कंपलसरी है। स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसे एक बिजनेस की तरह करने का तरीका आना चाहिए। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि उन्हें बेसिक से नॉलेज चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से नॉलेज चाहिए। बहुत सारे फ्रेशर्स भी मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो उनके लिए आज की ये लर्निंग वीडियो बहुत काम आने वाली है, बिकॉज आज हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग एक अलग कंसेप्ट है, इन्वेस्टमेंट एक अलग कंसेप्ट है। बट मान लीजिए कि मुझे रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं रिलायंस के शेयर्स बाय करूंगा, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट मतलब जहां पे आप अपने पैसे को ग्रो होने के लिए टाइम दे रहे हो, मतलब आप एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, दो साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तीन साल, चार साल, पांच साल। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो? आप अपने पैसे को ग्रो होने के लिए टाइम दे रहे हो। दैट इज नोन एज योर इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग एक अलग कंसेप्ट है। अलग अलग टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। द फर्स्ट वन इज इंट्राडे, सेकेंड वन इज BTST स्विंग, फिर वीकली, फिर मंथली। अब ये इंट्राडे क्या होता है? आप सबको तो ये पता होगा कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 AM से 3:30 PM तक शुरू रहता है, ठीक है। इंट्राडे मतलब क्या, कि आप कोई स्टॉक आज बाय कर रहे हो और उसे आज ही बेच रहे हो, दैट इज नोन एज योर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये स्विंग या BTST क्या होता है? BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। आप कोई स्टॉक आज बाय कर रहे हो और उसे कल या परसों में बेच रहे हो, दैट इज नोन एज योर BTST और स्विंग। अब ये वीकली क्या होता है? आप कोई स्टॉक आज बाय कर रहे हो और कुछ हफ्तों के बाद उसे बेच रहे हो, दैट इज नोन एज योर वीकली ट्रेडिंग। मंथली क्या होता है? आप कोई स्टॉक आज बाय कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद उसे बेच रहे हो, मतलब जनवरी में आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो और फेब या मार्च में उसे बेच रहे हो, दैट इज नोन एज योर मंथली ट्रेडिंग। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब वहां पे आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या? एक्सचेंज, इस वर्ड से हमें क्या पता लग रहा है कि कुछ तो एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कुछ तो लेन देन हो रही है। किस चीज की लेन देन हो रही है? दैट इज योर स्टॉक्स और शेयर्स, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे रिलायंस के 1000 शेयर्स खरीदने, तो मुझे कोई तो आगे एक सेलर तो मिलना चाहिए जिसके पास से मैं खरीद पाऊं। बट ये ट्रांजैक्शन करने में हेल्प कौन करेगा? दैट इज योर स्टॉक एक्सचेंज मीडिया। ये जो मीडिया है स्टॉक एक्सचेंज का, ये हमें ये ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करेगा। देयर आर टू स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, द फर्स्ट वन इज NSE एंड द सेकेंड वन इज BSE। NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 एंड BSE वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, कि व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट क्या होता है और ये सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होकर अपना IPO निकालती है, मतलब पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, दैट इज नोन एज योर प्राइमरी मार्केट। अब हम थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे कि कोई नई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कैसे होती है, या फिर ये IPO क्या होता है और ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है और ये शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा खुद का कैपिटल है और मेरे खुद के फंड्स है। अब मैं मेरी कंपनी का सिंगल पर्सन ओनर हूँ, तो मेरी कंपनी का कैटेगरी क्या होगा? दैट इज प्रोप्राइटरशिप, मतलब मैं मेरी कंपनी का सिंगल पर्सन ओनर हूँ, ठीक है। तो अब मेरी कंपनी का प्रोप्राइटरशिप ये कैटेगरी है। अब मान लीजिए कि मेरे किसी दोस्त ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और हम दोनों मिलकर ये कंपनी ग्रो कर रहे हैं, तो अब हमारी कंपनी प्रोप्राइटरशिप से शिफ्ट होकर पार्टनरशिप फर्म में आएगी, ठीक है, बिकॉज वी बोथ आर द ओनर्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को अप्रोच करके हम लोगों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश कर दी, मतलब अब हमारी पार्टनरशिप फर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट हो गई, ठीक है।
उसके बाद आती है, अब जब हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट होना है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट हो रहा है मतलब अब हम पब्लिक को डायरेक्टली शेयर्स ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और उसके बदले हम आपको शेयर्स देंगे। एंड द फिफ्थ वन इज लास्ट वन कि जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में से लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन रहे हैं, लिस्टेड मतलब कहाँ लिस्ट हो रहा है, दैट इज ऑन NSE और BSE, यहाँ पे लिस्ट होकर मतलब हम अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों लिस्ट हो रहा है, बिकॉज जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोचता है तो वो दो क्राइटेरियाज पे सोचता है। द फर्स्ट वन इज कि उसे आपकी कंपनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, एंड द सेकंड वन इज कि आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए, तभी उसे आसानी से एक बायर या सेलर मिल सकता है। ठीक है, तो इन दो क्राइटेरियाज पे ही डिपेंडेंट वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो जब हमने NSE या BSE पे हमारी कंपनी लिस्ट कर दी, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो अब हम हमारी कंपनी का IPO निकाल रहे हैं। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रही है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, दैट इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये होता है प्राइमरी मार्केट। तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट, और ये IPO है। अब हमारी कंपनी का पहला ट्रांजैक्शन है, मतलब पहली बार अब हम शेयर्स दे रहे हैं, हम लोगों को शेयर्स दे रहे हैं और बदले में उनसे फंड्स ले रहे हैं। तो ये हमारी कंपनी का पहला ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी के IPO के लिए अप्लाई कर दिया और उसे IPO मिल गया, और उसे एक महीने बाद या फिर कुछ समय बाद उसे वो शेयर्स बेचने, तो वो कहाँ बेचेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे। तो अब वो जो सेकेंड टाइम शेयर्स बेच रहा है या फिर खरीद रहा है, अब ये जो IPO के बाद जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे सेकेंडरी मार्केट में होंगे। मतलब कंपनी जब पहली बार IPO लॉन्च कर रही है वो आपका प्राइमरी मार्केट है, और उसके बाद जो भी कुछ ट्रेडिंग हो रही है या फिर जो भी कुछ बाइंग या सेलिंग हो रही है, दैट ऑल विल हैपन इन सेकेंडरी मार्केट। तो जब कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर IPO के बाद स्टॉक्स में ट्रेड करेगा या फिर बाइंग या सेलिंग करेगा, वो सब सेकेंडरी मार्केट में होगी। अब IPO के बारे में तो आपने समझ लिया, अब नाउ व्हाट इज FPO? FPO मतलब क्या? FPO मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब कोई लिस्टेड कंपनी सेकेंड टाइम मार्केट से पैसा उठाना चाहती है या फिर सेकेंड टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, दैट इज नोन एज योर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FPO। मान लीजिए कि थर्ड टाइम भी कंपनी पैसा उठा रही है मार्केट से या फिर थर्ड टाइम भी पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रही है, तो उसे भी हम FPO ही कहेंगे, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ही कहेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, ये IPO क्या होता है, ये FPO क्या होता है, या फिर ये शेयर्स क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। टिल देन थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।